अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाहिद हुसैन छीपा हाज़िर ख़िदमत है। आज हम ये सीखेंगे कि इस्लाम 360 में अपनी तजवीद को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए तो नीचे आपको बॉटम में लिखा हुआ नज़र आ रहा है कुरान, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप ज़रा देखिए, एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा है रेसिटेशन का। ऊपर से नीचे की जानेब बाएँ हाथ पर देखिए लिखा हुआ है रेसिटेशन, तो रेसिटेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर तो ये आपके सामने सारी सूरतें आ गई। मैंने सूरह फातिहा ले ली, यहाँ लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने इस पर क्लिक किया। तो ज़रा देखिए इस वक्त आपके सामने ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ आ रहा है। नीचे आप ज़रा देखिए बॉटम में एक बटन है लिसन वर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यह आयत आपके सामने प्ले कर देगा। इसको पढ़ना कैसे, उसके बराबर में लिखा हुआ है स्टार्ट रेसिटेशन। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपसे कहेगा अब आप पढ़ें, तो फिर आप पढ़िएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर यहाँ पे स्टार्ट के बटन के साथ ही यहाँ पे नीचे बटन होगा स्टॉप का, उसको स्टॉप के बटन को क्लिक कीजिएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा और फिर आपको ग्रीन या रेड से हाईलाइट करके बता देगा कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। उम्मीद है आपको सवाल और उसका जवाब पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। इस्लाम 360 को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर लिखिए इस्लाम 360 एप्लीकेशन, बिल्कुल मुफ्त आपके सामने दस्तयाब होगी।